हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स सॉल्यूशन पॉइंट। मेरे प्यारे बच्चों, एटॉमिक स्ट्रक्चर में मैंने थ्योरी कंप्लीट किया था, कुछ क्वेश्चंस करा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 80 तक का सॉल्यूशन मैंने आपको वीडियो के रूप में भी सेंड कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 80 से आगे वाले क्वेश्चन जो हैं वो मैंने कहा था ट्राई करने के लिए, मे भी आपको कहीं कोई प्रॉब्लम हुई हो तो इसलिए मैं पूरा ही क्वेश्चन का सोल्यूशन बना के आपको भेज रहा हूँ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 के आगे स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 80 के आगे हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। देखें आप लोग, क्वेश्चन नंबर 81 में हमसे कहा गया है करें इन द इनर्थ ऑर्बिट द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ईएन इक्वल टू 13.6 डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां माइनस रहेगा, -13.6 रहना चाहिए, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। केनथ ऑर्बिट में हाइड्रोजन एटम की एनर्जी का यही इक्वेशन होता आपको पता है। कहा गया द एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फर्स्ट ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट विल बी। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत आसान सा सवाल है। हाइड्रोजन एटम का जो पहला ऑर्बिट होता है जिसको हम ग्राउंड स्टेट कहते हैं बेटा, n इक्वल टू 1, उसमें इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है वो होती माइनस ऑफ 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैं यहाँ हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा हूं और यहां पर पहला n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 2 को फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट भी हाइड्रोजन के केस में कहते हैं। यहां पर जो इलेक्ट्रॉन रहेगा उसकी जो एनर्जी होगी बेटा, इसको चलो E2 लिख देता हूं, ये होगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां पे कहा गया है कितनी एनर्जी की आवश्यकता होगी, नीड होगी कि इलेक्ट्रॉन जो यहाँ बैठा हुआ है, यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन E1 से E2 में पहुंच जाए, ठीक है, N1 से N equal to 2 में पहुंच जाए। तो बच्चों यहाँ पर जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, वो एनर्जी की रिक्वायरमेंट अगर मैं एक ऐसा फोटॉन यहाँ इलेक्ट्रॉन को दे दूं, इलेक्ट्रॉन के ऊपर इंसिडेंट करा दूं जिसकी एनर्जी इस एनर्जी गैप के बराबर हो, तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच जाएगा। तो एनर्जी की आवश्यकता जो हुई होगी E2 - E1। मेरे प्यारे बच्चों, E2 इन द सेंस यहाँ के अंदर आ जाएगा -3.4 एंड -E1 के जगह पर -13.6। इसको आप सॉल्व करोगे बेटा, आंसर आएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दैट इज क्वाइट इजी क्वेश्चन। यहाँ के अंदर बच्चों क्या होगा, जो करेक्ट च्वाइस इस हिसाब से आ जाएगा वो होगा ऑप्शन ए, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, ओके। चलते हैं अगले सवाल पे। अगर इसमें कुछ भी आपको नोट कहीं करना हो तो वीडियो को रोककर उसको नोट कर लिया करिएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बेटा। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर है आपके सामने वो है क्वेश्चन नंबर 82। एक बार पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 82 में कहा गया, फॉर हाइड्रोजन एटम इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन विल द वेवलेंथ ऑफ इमिटेड फोटॉन विल बी मिनिमम। कौन से ट्रांजिशन में जो वेवलेंथ निकलेगा, जो फोटॉन निकलेगा उसका वेवलेंथ मिनिमम होगा। मेरे प्यारे बच्चों, वेवलेंथ अगर मिनिमम लाने की बात हो रही है कि वेवलेंथ मिनिमम कब होगा, तो वेवलेंथ मिनिमम होने का मतलब हुआ इनर्जी या फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मैक्सिमम होना, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होना, इनर्जी मैक्सिमम होना, ऐसा इसका कॉन्सेप्ट बना। इसका मतलब ऐसा ट्रांजिशन होना चाहिए जिसका एनर्जी गैप सबसे ज्यादा हो। गिवन ऑप्शंस में से सबसे ज्यादा एनर्जी गैप वाला हमारा सही होगा, क्योंकि मिनिमम वेवलेंथ का मतलब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यानी मैक्सिमम एनर्जी ऑफ फोटॉन। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ n इक्वल टू 5 से n इक्वल टू 4 में, अब देखो कॉन्सेप्ट यहाँ का ये है कि अगर ये मेरे पास n इक्वल टू 1 है बेटा, यहाँ पर मेरे पास n इक्वल टू 2 है, यहाँ पर मेरे पास n इक्वल टू 3 है, ये एनर्जी लेवल्स हैं, यहाँ पर बेटा n इक्वल टू 4 है, यहाँ पर n इक्वल टू 5 है। तो जैसे जैसे लोअर से हायर एनर्जी स्टेट में जाते हैं बेटा, निगेटिव साइन के साथ अगर सोचें तो एनर्जी बढ़ती जाती है, निगेटिव साइन के साथ सोचेंगे तो एनर्जी बढ़ती जाती है, ठीक है। यहाँ पर लेकिन एनर्जी का गैप जो है वो घटता जाता है। यहाँ पर जो एनर्जी का गैप होगा सबसे ज्यादा होगा, यहाँ पर जो एनर्जी का गैप होगा उसके बाद उसकी बारी होगी, यहाँ पर एनर्जी की गैप और कम होगा, और लास्ट में जो ये बना हुआ है यहाँ पर एनर्जी का गैप सबसे कम यहाँ फिलहाल पाया जाएगा। तो नो डाउट जैसे जैसे लोअर से हायर एनर्जी स्टेट में जाएंगे,
निगेटिव साइन के साथ देखेंगे तो इनर्जी बढ़ती जाएगी, लेकिन इनर्जी का गैप कंसेक्यूटिव दो ऑर्बिट के बीच में इनर्जी का गैप जो होगा वो कम होता जाएगा। तो बेटा यहां हमें सबसे ज्यादा एनर्जी गैप चाहिए, पहला ऑप्शन कर रहा 5 to 1 देखते हैं। अगर बेटा यहां ट्रांजिशन 5 to 1 हो, 5 to 4 अगर ट्रांजिशन 5 to 4 हो तो पहली बात यहां एनर्जी 5 to 4 होने में एनर्जी यहां इमिट होगी और इस बैंड इस गैप के बराबर, तो ये गैप कम होगा सब में सबसे कम, हमें सबसे ज्यादा वाला गैप चाहिए। आगे देखें 4 to 3 ये इसमें, अगला ऑप्शन चेक करें 3 to 2 ये वाला ट्रांजिशन बोल रहा, अगला कह रहा है 2 to 1 2 से 1, तो सबसे ज्यादा जो एनर्जी का गैप मिल रहा हमें 2 to 1 में मिलेगा। और इस तरह से बच्चों सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी यहां से मुझे मिलेगा अगर सबको कंपेयर करें, और सबसे कम वेवलेंथ वाला फोटॉन यहां से निकलेगा। इस तरह से करेक्ट चॉइस जो हमारे पास हो गया इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए वो हो गया बच्चों ऑप्शन डी, 2 to 1 का ट्रांजिशन होना चाहिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे जो कि अगला होगा बेटा क्वेश्चन नंबर 82। देखें मैं इसको हटा देता हूं, क्वेश्चन नंबर 82 को देखते हैं। ये आ गया बेटा क्वेश्चन नंबर 82 की ये था शायद, हाँ 83 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर बेटा 83 हमसे क्या कह रहा है, द ट्रांजिशन फ्रॉम द स्टेट n इक्वल टू 4 टू n इक्वल टू 3, 4 से 3 में ट्रांजिशन हो रहा है, इन हाइड्रोजन लाइक एटम रिजल्ट्स इन अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। वो कह रहा है कोई ऐसा एनर्जी स्टेट है, कोई ऐसा ट्रांजिशन है जिसमें जब 4 से 3 को ट्रांजिशन हो रहा, हाइड्रोजन लाइक कोई एटम, हाइड्रोजन नहीं हाइड्रोजन के जैसा है, जब यहां n इक्वल टू 4 से n इक्वल टू 3 में ट्रांजिशन हो रहा है, तो सवाल का कहना है कि यहां से अल्ट्रा वायलेट रीजन वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकल रही है। सवाल में कहा है कि अगर ऐसा इंफ्रारेड रीजन वाला हमें निकालना हो तो कौन सा ट्रांजिशन होना चाहिए। इंफ्रारेड रीजन का मतलब और कम एनर्जी गैप, इंफ्रारेड रीजन का मतलब ज्यादा वेवलेंथ होगा अल्ट्रा वायलेट की तुलना में और एनर्जी गैप स्मॉल होगा। तो बेटा एनर्जी गैप स्मॉल होगा इसका मतलब यहां के अंदर क्या सिचुएशन बनना चाहिए, देखो अब जरा चेक करें 2 से 1 में बेटा सबसे ज्यादा एनर्जी यहां कहीं मान लो n इक्वल टू 2 रहा होगा, यहां कहीं n इक्वल टू 1 रहा होगा, तो सबसे ज्यादा एनर्जी गैप यहां होगा, हमें कम एनर्जी गैप वाला चाहिए ताकि इंफ्रारेड निकल सके। 3 से 2 में जो गैप होगा वो यहां से कम होगा, यहां से बच्चों ज्यादा होगा, माफ करिएगा यहां से ज्यादा होगा, जितने ऊपर चलते जाते हैं एनर्जी का गैप कम होता जाता है, मतलब इस वाले से भी कम चाहिए। तो अगर मैं डी ऑप्शन चेक करूं तो यहां यही बच्चों करेक्ट होगा, यहां के लिए 5 to 4 में एनर्जी गैप 4 to 3 के कंपेरिजन में कम होगा, और एनर्जी गैप अगर कम होगा तो जो रेडिएशन वहां से निकलेगा, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वहां से निकलेगा बेटा, वो अल्ट्रा वायलेट के कम एनर्जी वाले, अल्ट्रा वायलेट से कम एनर्जी वाले रीजन में जाएगा, यानी इंफ्रारेड होगा। तो करेक्ट चॉइस यहां के लिए आ गया ऑप्शन डी। ठीक है, चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पे। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 84 है, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 84 में बच्चों, कह रहा है कि कैलकुलेट द हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ द इमिटेड फोटॉन इन द पाश्चन सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ हाइड्रोजन एटम। देखो पाश्चन सीरीज, लाइमन बामर पाश्चन, पाश्चन का मतलब ये हुआ बेटा कि जो इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली आना है n इक्वल टू 3 में आना, लाइमन बामर पाश्चन कहां से आना है, हो सकता है यहां 4 से 3 में आए, हो सकता है 5 से 3 में आए, हो सकता है 6 से 3 में आए, डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन। यहां कह रहा है पाश्चन सीरीज की बात हो और यहां के अंदर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हो, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का मतलब हाईएस्ट एनर्जी वाला फोटॉन निकले, हाईएस्ट एनर्जी वाला फोटॉन तब निकलेगा जब इनफाइनाइट से 3 में ट्रांजिशन हो। ठीक है, पाश्चन सीरीज की बात कर रहा है इसलिए 3 में होना है, कहां से होना है, यहां पर इनफाइनाइट से 3 में होगा, तभी तो मैक्सिमम एनर्जी या मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी या मिनिमम वेवलेंथ की बात हम करेंगे।
मेरे प्यारे बच्चों, इसका मतलब इस सवाल का जो हमारा आंसर होगा उस किस तरह से होगा, हमसे कहा फ्रीक्वेंसी, तो पहले तो हम लैम्डा निकालते हैं, 1/λ = r, ये हाइड्रोजन की बात कर रहा है, ठीक है। अगर इसको पढ़ें तो हाइड्रोजन एटम की, तो जड़ की वैल्यू 1 हो गया, लिखने की जरूरत नहीं है। यहां के अंदर हो जाएगा बेटा 1/3 का स्क्वायर, इसका मतलब हो गया 9 माइनस 1/इनफाइनाइट का स्क्वायर, इनफाइनाइट ही रहेगा, और उसका बाई 1/ करेंगे तो ये चीज जीरो आ गया, ठीक है। तो यहाँ के अंदर बच्चों 1/λ की वैल्यू हो गया r/9। जहां तक r की बात है, r रिडबर्ग कांस्टेंट है, जिसकी की वैल्यू लगभग में होती है 10^7 डिवाइडेड बाई बच्चों यहाँ के अंदर क्या आ गया 9। ऐसे अगर एग्जैक्ट वैल्यू में ना लिखूं तो ऐसा कुछ आएगा, और यहाँ के अंदर देखते हैं लगभग में आंसर निकाल के। लैम्डा की वैल्यू इस तरह से बच्चों हमारे पास जो आ गया वो हो गया 9/10^7 इतना मीटर। हमसे पूछा क्या है, हमसे फ्रीक्वेंसी पूछा है। फ्रीक्वेंसी की बात जब हम करेंगे तो यहाँ के अंदर बच्चों फ्रीक्वेंसी इक्वल टू हो जाएगा c/λ। जैसा कि हमें पता है इक्वल टू ऑफ लैम्डा, उसके हिसाब से फ्रीक्वेंसी को न्यू से रिप्रेजेंट किया है c/λ। सी के जगह पर हो गया बेटा 3×10^8 मीटर पर सेकेंड, और लैम्डा के जगह हो गया 9/10^7 दिस मच। मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम सॉल्व करेंगे, फ्रीक्वेंसी यहां निकल के आएगा 1/3 × 10^10 यहां पर हो जाएगा 15 ऐसा कुछ। तो अगर मैं यहां ऑप्शन पे जाके देखूं कि मैचिंग ऑप्शन कौन सा है, तो बच्चों यहां मैचिंग ऑप्शन जो होगा इसको थोड़ा मैनेज करूं तो 10/3 हो जाएगा × 10^14 आ जाएगा, यानी 9 माफ करिएगा 3 यहां पर दिया हुआ 7, 3.3 मेरे कैलकुलेशन में आ रहा है क्योंकि मैंने रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू यहां लगभग में रखा है, तो लगभग में जो ऑप्शन मैच करेगा 3.7 × 10^14 हर्ट्ज, यही यहां के लिए करेक्ट होगा, और इस तरह से करेक्ट चॉइस हमारा हो गया ऑप्शन ये, ठीक है। ओके बच्चों, चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर इसको मैं हटा देता हूं, आप लोगों को कुछ भी नोट करना हो तो रोक करके नोट कर लिया करिए या स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला क्वेश्चन बेटा यहां पर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 में एक सिंपल सी बात कही गई है, दी वेव नंबर ऑफ ये फोटॉन इन ब्रैकेट सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 9/400 r। यहां पे बच्चों वेव नंबर का मतलब उसने जो हमें दिया है 1/λ दे दिया है, जो कि है 9/400 यहां r, r रेडबर्ग कांस्टेंट रहा होगा। हमसे कहा गया है कि सर ऐसा है, द इलेक्ट्रॉन हैज ट्रांजिटेड फ्रॉम ऑर्बिट हैविंग क्वांटम नंबर। अब देखो उसने क्योंकि ब्रैकेट सीरीज की बात किया, लाइमन बामर पास्चन ब्रैकेट, यानी कि यहां पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होना n इक्वल टू समथिंग से n इक्वल टू 4 में, ये तो पक्का है। ये समथिंग यहां क्या है, यही जवाब मांगा है, ठीक है बेटा। यहां पर ये समथिंग क्या है, यही हमको जवाब देना है। इसको n2 लिख सकते हैं, इसको n1 लिख सकते हैं, ऐसा यहाँ पे सिंबल दे सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे अच्छे बच्चों, सच्चे बच्चों, बहादुर बच्चों, व्हाट विल हैपन, यहाँ पर हमसे पूछा क्या गया है, हमसे कहा गया कि बताइए यहाँ पर ए वाली वैल्यू क्या होगी, यही तो पूछा गया है। तो इस सिंपल सा जवाब होगा 1/λ। बात हो रही है बेटा यहाँ पर हाइड्रोजन एटम की, तो जेड की वैल्यू 1 हो जाएगी, लिखे ना लिखे 1/ क्योंकि ब्रैकेट सीरीज की बात हो रही, तो यहां पर 4 का स्क्वायर हो जाएगा, यहां पर 16 आ गया, -1/ ये वाला क्या है हमें नहीं पता है, n2 का स्क्वायर हो गया। मेरे प्यारे बच्चों 1/λ की वैल्यू डायरेक्टली हमको दिया गया है, दैट इज 9/400 r, ठीक है, इक्वल टू हो गया r मल्टीप्लाइड बाई 1/16 -1/n2 का स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे अच्छे बच्चों, सच्चे बच्चों, मेरे बहादुर बच्चों, आर आर कैंसिल हो गए, इस तरह से हमारे पास आ जाएगा 1/n2 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू, यहां पर बच्चों हमारे पास आ जाएगा 1/16 -9/400 ऐसा कुछ आ गया। मेरे प्यारे बच्चों, अच्छे बच्चों, सच्चे बच्चों, बहादुर बच्चों,
यहां पर 1 बाई एन टू का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 400 माइनस ऑफ 144, 69 या 144 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 400। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे अच्छे बच्चों, सच्चे बच्चों, 1 बाई एन टू का स्क्वायर इक्वल टू हो गया 256 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 400। ठीक है, यहां पर बच्चों अगर 16 जा किया जाए, 16 इंटू 16 256 होता, ये कैंसिल हो गया, दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लें तो 1 बाई एन टू की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी बच्चों, 1 बाई एन टू की वैल्यू जो हमारे पास होगी वो बेटा यहां पर आ जाएगी कितना, यहां पर हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई, यहां हो गया 20 और इस तरह से आ गया 5, एन टू के जगह पर बच्चों आ गया 5, इसका मतलब जो एन टू हमारा है वो क्या होगा, 5 होगा। तो यहां के लिए जो करेक्ट चॉइस होगा इस इन गिवन ऑप्शंस में से वो होगा ऑप्शन ए। ठीक है, इसका मतलब ट्रांजिशन 5 to 4 हुआ होगा। ठीक, इसके लिए करेक्ट चॉइस हो गया ऑप्शन ए। ठीक है बेटा, चलिए अगले सवाल पे। यहाँ पे बच्चों अगला सवाल हमारा है क्वेश्चन नंबर 86 का, द रेशियो ऑफ, किस चीज का रेशियो, रेशियो ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट टू द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज। बेटा ये चीज, इस चीज का कॉन्सेप्ट याद करिए, गायरो मैग्नेटिक रेशियो का कॉन्सेप्ट मैंने बताया था मैग्नेटिज्म में। अगर कोई इलेक्ट्रॉन की बात करें, वो इलेक्ट्रॉन किसी बोहर ऑर्बिट में ऐसे चल रहा हो तो बेटा यहाँ क्यू चार्ज जिसका कि मास यम हो, अगर चल रहा हो तो इसके चलने की वजह से अगर पॉजिटिव चार्ज है तो यलांग, और बेटा अगर निगेटिव चार्ज है तो मान लो इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो निगेटिव चार्ज होगा, अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, यहाँ पर एक मैग्नेटिक डाइपोल बन जाएगा। एंगुलर मोमेंटम और मैग्नेटिक डाइपोल के रेशियो को हम लोगों ने वहां गायरो मैग्नेटिक रेशियो का नाम दिया था, जिसकी वैल्यू बच्चों निकालने पर आ रहा क्यू डिवाइडेड बाई 2m, तो यहाँ क्यू के जगह ई हो गया डिवाइडेड बाई 2m, क्योंकि ये बात हम पहले आपको बता चुके हैं इसलिए डायरेक्ट ही यहाँ पर लिख रहे हैं बच्चों। इसके लिए जो करेक्ट चॉइस इस तरह से होगा वो हो गया ऑप्शन ए। ठीक है, ओके बच्चों, मैग्नेटिज्म में मैं बता चुका हूं, अगर आपको कहीं भूल रहा हो तो जाके वहां रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बेटा अगला जो सवाल है दैट इज क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 में हमसे कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द बामर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। बामर सीरीज के लिए क्या बात सही है, उसने पहला ऑप्शन कहा है द एंटायर सीरीज फॉल्स इन द अल्ट्रा वायलेट रीजन। बेटा लाइमन सीरीज में पूरा जो है अल्ट्रा वायलेट रीजन में होता है और बामर में मोस्टली जो है विजिबल रीजन में होता है। अब यहाँ ऑप्शन को पढ़ते हैं, ऑप्शन में जो इंफॉर्मेशन उन्होंने हमें दिया है उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग पहला तो गलत है, कह रहा जो बामर सीरीज अल्ट्रा वायलेट में होता है, नहीं ऐसा नहीं है, कहा गया है पूरा सीरीज अल्ट्रावायलेट में होता, नहीं ये बात गलत है, एंटायर सीरीज फॉल्स इन द इंफ्रारेड, नहीं सर यहां पर बामर सीरीज मोस्टली बच्चों विजिबल रीजन में होता, ऑप्शन पढ़े चारों, सीरीज दिस सीरीज इज पार्टली इन विजिबल रीजन एंड पार्टली इन अल्ट्रावायलेट रीजन। अब इसको छोड़ते हैं और ऑप्शन पढ़ते हैं, दिस सीरीज इज पार्टली इन द विजिबल रीजन एंड पार्टली इन इंफ्रारेड, नहीं इंफ्रारेड में तो नहीं होता है। देखो क्या है कि बामर सीरीज में जो पहला वाला ट्रांजिशन होगा, या यूं कह लीजिए इनफाइनाइट से n इक्वल टू 2 में जो ट्रांजिशन होगा उसका अगर एग्जैक्ट हम वेवलेंथ निकाल के देखें 3000 समथिंग कुछ आता है, तो बेटा यहां के अंदर इसका मतलब ये हुआ कि थोड़ा बहुत इसका हिस्सा, बहुत मामूली सा पार्ट अल्ट्रा वायलेट में जाता है, यहां मैक्सिमम पार्ट, बहुत ज्यादा मैक्सिमम पार्ट विजिबल में रहेगा लेकिन एक छोटा सा, बहुत छोटा सा हिस्सा अल्ट्रावायलेट में जाता है। तो ऑप्शन के हिसाब से जो परफेक्ट चॉइस हुआ वो हो गया ऑप्शन सी। ठीक है, इससे भी बेटर ऑप्शन होता मोस्टली इन द विजिबल रीजन एंड वेरी स्लाइटली इन द अल्ट्रावायलेट रीजन। ठीक है, तो फिलहाल यहां के लिए ऑप्शन सी करेक्ट हुआ, होपफुली आपको समझ में आया होगा। अब बच्चों हम आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पे, और हमारा अगला सवाल होगा क्वेश्चन नंबर 88।
चलिए देखते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 88। बच्चों क्वेश्चन नंबर 88 में हमसे कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग पास्टुलेट ऑफ द बोहर्स मॉडल लेड टू द क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम। कौन सा यहां पर हाइड्रोजन एटम की एनर्जी क्वांटाइजेशन का पास्टुलेट है? अब फिलहाल यहां पे चारों ऑप्शन को पढ़ते हैं, वैसे थियरी तो आपकी क्लियर है, पढ़ के देखते हैं क्या यहां बेटर ऑप्शन होगा। पहला कह रहा है द इलेक्ट्रॉन गोज अराउंड द न्यूक्लियस इन द सर्कुलर ऑर्बिट्स, सर्कुलर ऑर्बिट में चलता है, ठीक है, लेकिन इसका क्वांटाइजेशन से कोई मतलब नहीं है, पास्टुलेट तो है बट ये क्वांटाइजेशन होना एंगुलर मोमेंटम का वहां से कोई मतलब नहीं इसका दिख रहा है। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन ओनली बी एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन 2p, नहीं यहां पाई होना चाहिए, 2π। यहां पर सवाल के अनुसार एच अपॉन 2π का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, बच्चों यहां पर इसके जगह होना चाहिए था 2π। तो ये कुछ हद तक सही है। यहां पर सी में कहा गया है मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज, लीनियर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड क्वांटाइज नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी इज इटसेल्फ ए पास्टुलेट ऑफ मॉडल। बेटा यहां जो सवाल का तर्क है क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी क्यों होता है, इसीलिए होता है क्योंकि ऑर्बिट डिस्क्रीट होता है, और ऑर्बिट डिस्क्रीट इसलिए होता है क्योंकि ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में रह सकता है या मूव कर सकता है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम या चपान 2π का इंटीग्रल मल्टीपल हो। इस हिसाब से जो यहां के लिए बेटर चॉइस बनता है बेटा वो होता है ऑप्शन बी, ठीक है, होपफुली आप लोगों ने समझा होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे बेटा अगले सवाल पे जो कि होगा क्वेश्चन नंबर 89। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 में हमसे कहा गया है ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल इज मेड ऑफ टू मासेस M1 एंड M2, बहुत बढ़िया, विच आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस स्मॉल r। यहां पर बच्चों डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करा दो यहां एटम से मिलके बना है जिसमें कि एक का मास M1 है बेटा और एक का मास M2 है। आगे बोल रहा है इफ वी कैलकुलेट द रोटेशनल एनर्जी बाय अप्लाइंग बोहर्स रूल, अगर हम रोटेशनल एनर्जी बोहर के रूल से कैलकुलेट करें इसका बोहर्स रूल्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन इट्स एनर्जी विल बी गिवन बाय, यहां पर बच्चों एन को इंटीग्रल, बेटा यहां पर इसका कहीं ना कहीं बीच में कहीं ना कहीं इसका सेंटर ऑफ मास होगा, सपोज करिए ये रहा सेंटर ऑफ मास, मान के चलेंगे कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये रोटेट कर रहा होगा किसी पर्टिकुलर एंगुलर वेलोसिटी से, तो यहां पर इसकी जो एनर्जी होगी इस सिस्टम की वो होगी बेटा, एनर्जी की बात करें टोटल यहां रोटेशनल एनर्जी होगा इनफैक्ट, तो टोटल रोटेशनल एनर्जी जो यहां के अंदर होगा बच्चों वो कुछ ऐसे आ जाएगा हाफ ICM इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब देखो यहां पर बच्चों इससे काम थोड़ा सा बनेगा नहीं क्योंकि एंगुलर मोमेंटम से लिंक करना है, तो थोड़ा सा इसका रूप में बदलता हूं, यहां रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को लिखूंगा जे स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2i ऐसे, ठीक है, जे, अब क्योंकि एंगुल बोहर के थ्योरी से लिंक करना है तो जे की जगह मैं लिखूंगा एच अपॉन 2π का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, इसका मतलब यानी एच अपॉन 2π। बेटा यहां के अंदर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इस तरह से जो हमारे पास होगा वो कुछ ऐसे आ जाएगा, जे के जगह पर हो गया बेटा यहां पर एन एच अपॉन 2π का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 times of i, यहां पर बच्चों 2 times of i, i किसका है मोमेंट ऑफ इनर्सिया, इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास के अबाउट। बच्चों ऐसा सवाल मैं आपको रोटेशनल मोशन में करा चुका हूं, अगर यहां सेंटर के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्सिया निकालने जाओगे तो यहां पर कहानी कुछ याद करिए, मैंने बताया था निकालने पर ये कुछ ऐसे आ रहा था m into r square, यहां हो गया था m के जगह पर रिड्यूस्ड मास इंटू आर, ये पूरा r आया था कैलकुलेट करने पर r का स्क्वायर, रिड्यूस्ड मास की वैल्यू यहां पर बच्चों जो हमारे पास होगा देखिए ऊपर सॉल्व करेंगे आएगा n h अपॉन 2π। एक चीज जान लीजिए यहां पर जो हमारा ऑप्शन है बच्चों इसमें उतने अच्छे से छपा नहीं है, यहां पर h कॉम्प्लीमेंट करके आता है ऐसे करके, यहां पर
मैं अभी बना दूंगा, यहां के अंदर अभी इसको ऐसे रहने देता हूं, यहां पर मेरे पास ये हो जाएगा n स्क्वायर h अपॉन 2 पाई का होल स्क्वायर, दिस होल मच इज डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ रिड्यूस्ड मास, रिड्यूस्ड मास के जगह पर बच्चों मैं लिखूंगा m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, जो कि ऊपर चला जाएगा m1 प्लस m2 ऐसे, ठीक है। और यहां के अंदर इनटू हो जाएगा आर का स्क्वायर, इनटू बच्चों यहां के अंदर हो गया आर का स्क्वायर, ऐसा कोई एक्सप्रेशन यहां पर आया। अब देखो यच अपान टू पाई को हम लोग यच कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं शॉर्ट करने के लिए बच्चों, ये यहां पर एक रूल होता है, तो अगर वहां मैं इसको लिख देता हूं तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हो जाएगी एन स्क्वायर यच कॉम्प्लीमेंट का स्क्वायर, और यहां के अंदर होगा m1 प्लस m2, दिस होल मच डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ m1 m2 इनटू r स्क्वायर। और इस लिहाज से अगर मैं यहां करेक्ट चॉइस खोजने के लिए जाता हूं बेटा, तो करेक्ट चॉइस जो हमारा मिलेगा m1 m2 n स्क्वायर, बेटा यहां सारे ऑप्शन में h नहीं बल्कि h का कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए, गलत प्रिंट है, यहां पे h के कॉम्प्लीमेंट का स्क्वायर होना चाहिए, डिवाइडेड बाय 2 m1 m2 r स्क्वायर। और इस तरह से जो करेक्ट चॉइस हमारे पास होगा बेटा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, यहां के लिए करेक्ट चॉइस हो गया ऑप्शन डी। तो ठीक है, एक सवाल था, हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा, अगले सवाल पे आपको लेके चलेंगे, और अगला क्वेश्चन जो हमारा होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 89, तो हो चुका, अब की बार क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 90। चलिए देखते हैं, देखो बच्चों अगला सवाल जो हम लोग यहां करने जा रहे हैं, दिस इज क्वेश्चन नंबर 90, देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 90 में कहा गया है, क्या कहा गया है क्वेश्चन नंबर 90 में, कहा गया इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम फर्स्ट जंप्स फ्रॉम थर्ड एक्साइटेड स्टेट टू सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। बेटा कहां से? थर्ड एक्साइटेड स्टेट से। तो पहला जो जंप किया इलेक्ट्रॉन ने थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब n इक्वल टू 4 से, कहां पे जंप किया? सेकंड एक्साइटेड स्टेट मतलब कि n इक्वल टू 3 में, ओके। फिर कहा गया है एंड देन फ्रॉम सेकंड एक्साइटेड स्टेट, इसका मतलब दूसरी बार जो मोशन कर रहा, ट्रांजिशन कर रहा है सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब n इक्वल टू 3 से किसमें जा रहा है? टू द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब n इक्वल टू 2 में जा रहा है। कहा गया रेशियो ऑफ द वेवलेंथ लैम्डा 1 इज टू लैम्डा 2 इमिटेड इन द टू केसेस, यहां पर जो वेवलेंथ बच्चों इमिट होंगे, यहां पर वेवलेंथ लैम्डा 1 इमिट हुआ और यहां पर लैम्डा 2, इन दोनों का रेशियो क्या होगा? तो सिंपल सा कैलकुलेशन है, चलिए देख लेते हैं। सिंपल सा कैलकुलेशन बच्चों ये है कि यहां पे अगर इसको मैं सॉल्व करने के लिए जाता हूं तो 1 बाई लैम्डा 1, ये कौन से एटम की बात हो रही, एक्साइटेड स्टेट फ्रॉम सेकंड एक्साइटेड स्टेट, कौन? हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम के लिए बेटा जेड की वैल्यू 1 लिखने की जरूरत है नहीं, आर इनटू यहां के अंदर हो जाएगा 1 बाई 3 का स्क्वायर मींस 9, छोटा वाला यहां लिखने वैल्यू माइनस 1 अपॉन यहां के अंदर हो गया 16 ऐसे कुछ, और वहीं पर 1 बाई लैम्डा 2 को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आर 1 बाई यहां 2 का स्क्वायर मींस 4 हो जाएगा माइनस बच्चों 1 अपॉन 3 का स्क्वायर मींस 9 हो जाएगा। अगर इन दोनों को मैं सॉल्व करूं बेटा तो 1 बाई लैम्डा 1 डिवाइडेड बाई 1 बाई लैम्डा 2 रेशियो ले रहा हूं, आर आर कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे 16 माइनस 9 तो ऊपर आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 16, दिस मच इज डिवाइडेड बाई 9 माइनस 4 दैट मीन्स 5 डिवाइडेड बाई यहां के अंदर होगा 4 इंटू 9। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे अच्छे बच्चों, सच्चे बच्चों, बहादुर बच्चों, होशियार बच्चों, यहां पर ये दोनों कैंसिल हो गए। और इस तरह से इसको हम थोड़ा और सॉल्व करें, ये बच्चों इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे 4 जा 16 आ जाएगा, और करेक्ट चॉइस यहां के लिए जो हमारा मिलेगा, जो करेक्ट आंसर मिलेगा वो कुछ ऐसे होगा, दिस विल बी हियर क्या आ जाएगा 7 divided by 20, ये हो गया lambda 2 divided by lambda 1, but lambda 1 by lambda 2 चाहिए था, तो हो जाएगा 20 by 7 एक ऑप्शन मुझे दिख गया ऑप्शन डी।
तो इस तरह से बच्चों यहां के लिए जो करेक्ट चॉइस हमारा होगा वो होगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बच्चों अगला सवाल, अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 में देखें एक बार हम लोग पढ़ें। देयर आर एन इलेक्ट्रॉन इन द स्टेशनरी हाइड्रोजन एटम पासेज फ्रॉम फिफ्थ एनर्जी लेवल टू द ग्राउंड लेवल। फिफ्थ एनर्जी लेवल मतलब एन इक्वल टू 5 से एन इक्वल टू 1 में जाने की बात हो रही है। कहा कि वेलोसिटी ऑफ The atom acquired as a result of photon emission। अब सब लोग देखो, अच्छा सवाल है। एक एटम यहाँ कहीं बैठा हुआ था, इसके अंदर से बैठा हुआ था, रेस्ट में था। इसके अंदर से क्या हो रहा बच्चों, आफ्टर ऑल इसके अंदर से एक फोटॉन निकला। फोटॉन क्यों निकला होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हुआ होगा हायर टू लोअर एनर्जी स्टेट 5 से एन इक्वल टू 1 में। तो बच्चों ये फोटॉन सी स्पीड से जा रहा है, इसका वेवलेंथ निकाल के चेक करते हैं कितना होगा। तो कॉन्सेप्ट यहां पर ये यूटिलाइज होगा कि सर ये जो हमारा पहला एटम था, दिस वाज इन स्टेशनरी कंडीशन आफ्टर इमिशन ऑफ ये फोटॉन, द लीनियर मोमेंटम दैट इनिशियली वाज जीरो नाउ विल आल्सो बी जीरो। मतलब एक तरह से एक्सप्लोजन जैसा केस हुआ, जितना लीनियर मोमेंटम पहले था उतना अभी भी रहेगा। इसका मतलब जितने लीनियर मोमेंटम से ये फोटॉन आगे बढ़ेगा उतने ही लीनियर मोमेंटम से यहां पर ये एटम भी आगे बढ़ेगा। तो फोटॉन का लीनियर मोमेंटम एटम के लीनियर मोमेंटम के बराबर होना चाहिए, क्योंकि शुरुआत में जीरो था तो अभी भी जीरो होगा। तो सबसे पहले हम निकाल के चेक करेंगे कि ये फोटॉन महोदय जो है इनका लीनियर मोमेंटम क्या होगा। लीनियर मोमेंटम पता करने के लिए हम चलते हैं लैम्डा पता करेंगे। जैसा कि सवाल में लिखा गया है एन इक्वल टू 5 से ट्रांजिशन होने जा रहा है एन इक्वल टू 1 में, तो सिंपल सा यहां कहानी होगा 1 बाई लैम्डा इक्वल टू आर जेड स्क्वायर। जेड स्क्वायर का मतलब बच्चों यहां के अंदर हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन एटम की बात हो रही जहां तक मैंने पढ़ा। हाँ, हाइड्रोजन एटम की बात है तो जेड को लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। मेरे प्यारे बच्चों यहां पर n इक्वल टू 5 से n इक्वल टू 1 में 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, 5 का स्क्वायर 25 रहेगा। मेरे प्यारे बच्चों 1 बाई लैम्डा की वैल्यू हो जाएगा 24 अपॉन 25, यानी r इंटू 24 अपॉन 25, ऐसा कुछ आएगा। जो यहां फोटॉन निकल रहा है बेटा, ये देखो एटम का लीनियर मोमेंटम जो होगा वो फोटॉन के लीनियर मोमेंटम के सिमिलर होगा, और फोटॉन का लीनियर मोमेंटम याद करिए होता है, देखिए एच सी बाई लैम्डा इक्वल टू एम सी स्क्वायर से हम कोरिलेट करेंगे, सी सी कैंसिल हो गया तो फोटॉन का लीनियर मोमेंटम हो गया एच बाई लैम्डा। इसका मतलब अगर हमें लीनियर मोमेंटम के टर्म में लाना है तो हमें निकालना है एच बाई लैम्डा। अब देखो बच्चों ये वैल्यू हमें पता है 1 बाई लैम्डा, एच से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो यहां पर आ जाएगा 24 डिवाइडेड बाई 25 आर, ये तो 1 बाई लैम्डा हो गया, इंटू एच कर लेते हैं, यहां पर यही कुछ आंसर होना चाहिए इसका। तो करेक्ट चॉइस अगर जाके देखें 24 आर इंटू एच डिवाइडेड बाई 25, ऐसा मुझे ऑप्शन ए में दिख रहा है 24 आर एच डिवाइडेड बाई यहां के अंदर बच्चों 25। और हाँ, ये नहीं पूछा लीनियर मोमेंटम क्या होगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ मास वेलोसिटी पूछा है, तो लीनियर मोमेंटम जो एटम का होगा होगा एटम का मास इनटू एटम की वेलोसिटी। मेरे प्यारे बच्चों ये मेरे पास हो जाएगा 24 आर एच डिवाइडेड बाई 25। इस तरह से जो हमारा वेलोसिटी यहाँ के अंदर होगा होगा 24 आर एच डिवाइडेड बाई 25 टाइम्स ऑफ यहां के अंदर आ गया m। तो करेक्ट चॉइस, क्योंकि यहां m दिख गया मुझे, तो देखिए क्या पूछा है, एक्वायर्ड वेलोसिटी, एक्वायर्ड वेलोसिटी पूछा गया है, ना कि लीनियर मोमेंटम। करेक्ट चॉइस यहां के लिए जो हो गया वो हो गया ऑप्शन ए। ठीक है, ओके बेटा, चलते हैं अगले सवाल पे। देखिए अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, कह रहा इन हाइड्रोजन लाइक एटम, हाइड्रोजन के जैसा अगर कोई एटम है, इसका कहने का मतलब जिसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन हो,
हाइड्रोजन लाइक एटम इलेक्ट्रॉन मेक्स ट्रांजिशन फ्रॉम एनर्जी लेवल विथ क्वांटम नंबर एन टू एनदर विथ क्वांटम नंबर एन माइनस वन, यानी एन से एन माइनस वन वाले में ट्रांजिशन हो रहा है, नो डाउट फोटॉन निकला होगा। दी फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इमिटेड इज प्रोपोर्शनल टू, जो फ्रीक्वेंसी यहाँ निकलेगा वो कहाँ के प्रोपोर्शनल होगा ये पूछा गया है। बच्चों चलिए सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है। इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन यहाँ होने जा रहा बेटा एन इक्वल टू कह दीजिए एन टू इक्वल टू एन से कहाँ होने जा रहा है एन टू या एन वन कह लेते हैं एन वन इक्वल टू एन माइनस वन से। इसमें यह बताया गया कि एन बहुत ज्यादा है एक से, एक की तुलना में एन बहुत अधिक है, तो ऐसा अगर यहाँ लिखा हुआ है बच्चों तो इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन हमारे पास पहले लैम्डा निकाल के देखते हैं आर, क्योंकि ये हाइड्रोजन एटम की बात नहीं हाइड्रोजन लाइक एटम की बात किया है तो आर जेड स्क्वायर हो गए। प्रोपोर्शनलिटी पूछा है पहले लैम्डा की निकाल के देखते हैं वन बाई यहां छोटी वाली वैल्यू हम रखेंगे एन माइनस वन का स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन का स्क्वायर ऐसा हो गया। मेरे प्यारे बच्चों इसको सॉल्व करें तो वन बाई लैम्डा दिस विल बी इक्वल टू आर टाइम्स ऑफ जेड स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे यहां आ जाएगा एन स्क्वायर माइनस ऑफ एन माइनस वन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर और एन माइनस वन का यहां आ गया होल स्क्वायर ऐसा कुछ। मेरे प्यारे बच्चों इस प्रकार से वन बाई लैम्बडा जो यहां के अंदर आ गया हो गया आर टाइम्स ऑफ जेड स्क्वायर आर टाइम्स ऑफ जेड स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी दूसरे में ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में हम करेंगे एन एन प्लस एन माइनस वन तो यहां पर आ जाएगा टू एन माइनस वन, अगले ब्रैकेट में होगा एन माइनस एन और माइनस करेंगे तो प्लस वन हो जाएगा तो यहां खाली वन बचेगा डिवाइडेड बाई यहां के अंदर बच्चों हमारे पास हो गया एन स्क्वायर और एन माइनस वन का होल स्क्वायर। अब देखो यहां बचा क्या वन बाई लैम्डा बिकम्स इक्वल टू आर टाइम्स ऑफ जेड स्क्वायर और यहां हो गया बच्चों 2n माइनस वन ऊपर आ गया 2n माइनस वन और डिनोमिनेटर में बच्चों आ गए n स्क्वायर n स्क्वायर n माइनस वन का होल स्क्वायर यहां पर हो गया n माइनस वन का होल स्क्वायर। देखें सब लोग मेरे प्यारे बच्चों मेरे अच्छे बच्चों क्योंकि n वेरी वेरी ग्रेटर देन वन है तो हम यहां थोड़ा सा इसको नेग्लेक्ट करने का प्रयास करेंगे कुछ चीजों को। 2n माइनस वन लगभग लगभग लिख लेंगे 2n क्योंकि n बहुत ज्यादा है 1 की तुलना में। इसी तरह से n माइनस वन के जगह पर हम लोग बेटा लिख लेंगे लगभग लगभग n, तो अप्रॉक्सीमेट क्या बनेगा 1 बाई लैम्डा विल बी इक्वल टू r टाइम्स ऑफ z स्क्वायर। अगर हम न्यूमरेटर को जाके देखें तो वहां बचा 2n और यहां डिनोमिनेटर को देखें तो n स्क्वायर इंटू n स्क्वायर यहां के अंदर n की पावर 4 और इस प्रकार से बेटा यहां पर प्रोपोर्शनलिटी के हिसाब से यहां 3 बचेगा तो 1 बाई लैम्डा विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऐसा कुछ हो गया। मेरे प्यारे बच्चों हमें पता है फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा यानी 1 बाई लैम्डा के डायरेक्टली और 1 बाई लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई यहां के अंदर एन का क्यूब, तो करेक्ट चॉइस हमारे पास ऐसा कुछ आया फ्रीक्वेंसी की प्रोपोर्शनलिटी अगर चेक करें तो यहां के लिए इन चारों ऑप्शंस में से जो मुझे बेस्ट दिख रहा है दैट इज ऑप्शन डी। ठीक है बेटा यहां के लिए जो करेक्ट चॉइस होगा वो होगा ऑप्शन डी। ठीक चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर अगला आप लोग देखें क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 बच्चों हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम मेक्स ट्रांजिशन फ्रॉम एन वन टू एन टू, एन वन से एन टू में ट्रांजिशन हो रहा है अच्छी बात है। आर वेयर एन वन टू एन टू वेयर एन वन एंड एन टू आर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स ऑफ द टू स्टेट्स, बहुत बढ़िया। कह रहा है अज्यूमिंग बोहर्स मॉडल टू बी वैलिड, कह रहा है ये मान लीजिए कि बोहर जी का मॉडल वैलिड हो, द टाइम पीरियड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द इनिशियल स्टेट इज 8 टाइम्स दैट ऑफ द फाइनल स्टेट। यहां पर कहा गया पॉसिबल वैल्यू ऑफ n1 और n2 क्या रहा होगा,
मेरे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन की बात कहा है, N1 से N2 में ट्रांजिशन हो रहा है। मान लो जब ये वाले स्टेट में था तो इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्व करने का जो टाइम पीरियड रहा वो T1 रहा हो, और यहां पर जब N2 में था तो इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्व करने का टाइम पीरियड सपोज करिए T2 रहा हो। तो कहा गया है कि इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्व करने का जो टाइम पीरियड है 8 times that इन द फाइनल स्टेट। इनिशियल स्टेट में 8 times है, मतलब फाइनल स्टेट में अगर टी है तो इनिशियल स्टेट में 8T रहा होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एक ही एटम की बात हो रही है, इसलिए बच्चों टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा एन का क्यू। अब देखो यहां पर बेचा T1 बाई T2 की वैल्यू इस प्रकार से हमारे पास होगा N1 बाई N2 का होल क्यू। सवाल के अनुसार ये वैल्यू जो यहां पर आने वाला है 8/1 आने वाला है N1 बाई N2 का होल क्यूब इक्वल टू 8/1 आने वाला है। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि यहां पर N1 बाई N2 का रेशियो यहां 8/1 यानी कि इसका क्यूबिक रूट लेंगे 2/1 आना चाहिए। अब ऑप्शन में जो भी इस रेशियो को सेटिस्फाई करेगा वही करेक्ट होगा। अगर हम पहला चेक करें तो 3:1 का रेशियो आएगा, यहां चेक करें तो 8:1 का आएगा, यहां चेक करें बच्चों तो 4:1 का आएगा, और यहां चेक करें तो 2:1 का आएगा। इस हिसाब से जो करेक्ट चॉइस यहां के लिए बन रहा है बच्चों, करेक्ट चॉइस हमारे पास हो गया ऑप्शन डी। ठीक है, यहीं पर 2 का रेशियो आएगा, बाकी में ये रेशियो 2 के इक्वल नहीं आएगा, इसलिए करेक्ट चॉइस यहां के लिए हो गया ऑप्शन डी। ठीक, चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगला हमारा सवाल जो है दैट इज क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 जो यहां पर बच्चों दिया गया है, कर रेशियो ऑफ वेव लेंथ ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज एंड फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज। लाइमन सीरीज का पहला लाइन, देखो बेटा इसका मतलब जो ट्रांजिशन हुआ होगा लाइमन सीरीज का पहला लाइन ये हुआ होगा एन इक्वल टू 1 में। पहला लाइन का मतलब 2 से 1 में हुआ होगा, मान लिया वेवलेंथ लैम्डा 1 निकला। ठीक है, यहां पे दूसरा उसने कहा बामर सीरीज। बामर सीरीज की अगर बात करें तो बामर सीरीज में पहला लाइन मतलब एन इक्वल टू 3 से एन इक्वल टू 2 में ट्रांजिशन हुआ होगा। मेरे प्यारे बच्चे, दो वेवलेंथ जो निकल रहे इनका रेशियो क्या होगा? जाहिर सी बात है अगर लाइमन सीरीज की बात करें तो लाइमन सीरीज की कहानी बेटा कुछ ऐसे होगी 1/λ1। ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा R times of Z square। जेड स्क्वायर के जगह पर क्योंकि हाइड्रोजन की बात हुई है, हाइड्रोजन तो लिखा नहीं है, ठीक है आर जेड स्क्वायर कर देते हैं। यहां के अंदर बच्चों ऐसे हो गया 1/1 का स्क्वायर मीन्स 1/1 हो गया -1/4। मेरे प्यारे बच्चों 1/λ2 यहां के अंदर जो हमारे पास होगा वो हो जाएगा R times of Z square 1/2 का स्क्वायर दैट मींस 4 -1/ क्या हो जाएगा 9। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे अच्छे बच्चों, सच्चे बच्चों, बहादुर बच्चों, होनहार बच्चों, इस तरह से 1/λ1 डिवाइडेड बाई 1/λ2 इन दोनों को मैं अगर डिवाइड कर देता हूं बेटा तो जो रेशियो हमें मिलेगा यहां से मिलेगा 3/4 और यहां से देखते हैं क्या मिलेगा। यहां से तो 3/4 बचा और यहां से मेरे पास बचेगा 5/36। यहां पे आ गया बेटा 5/36। इसको सॉल्व करेंगे तो λ2/λ1 की वैल्यू आ जाएगी 36 × 3/4 × 5। मेरे प्यारे बच्चों 4×9=36 यहां के अंदर आ गया, ये हो जाएगा 27/5। लेकिन हमसे पूछा गया λ1/λ2। ठीक है, ये जो रेशियो पूछा गया है पहले लाइमन देन बामर, यहां के अंदर बच्चों ये हो जाएगा 5/27। और अगर करेक्ट चॉइस इस हिसाब से आप ऑप्शन में जाओगे चेक करने तो ऑप्शन आपको मिल रहा ऑप्शन सी। ठीक है बच्चों, ओके चलते हैं अगले सवाल पे। नोट जहां करना हो रोक के नोट कर लिया करो। ठीक है बच्चों, मैं हटा रहा हूं। अगला सवाल जो हमारे पास होगा क्वेश्चन नंबर 95। इसमें कहा गया है इन रमन इफेक्ट स्टोक्स लाइंस आर स्पेक्ट्रल लाइन हैविंग। बेटा यहां पर इस क्वेश्चन को जस्ट आपको याद कर लेना है, कोई बहुत ये सिलेबस का पार्ट नहीं है ऐसे। तो यहां पे कहा गया है कि
रमन इफेक्ट जो होता है बेटा, एक ऐसा इफेक्ट होता है स्पेक्ट्रल लाइन की, यहाँ स्प्लिटिंग होती है, इसमें जो वेवलेंथ होता है स्पेक्ट्रल लाइन का वो एक्चुअल वेवलेंथ से ज्यादा होता है, जितना एक्सपेक्ट करते थे ना कि निकलना चाहिए, ये जो वेवलेंथ होता है एक्चुअल वेवलेंथ से ज्यादा हो जाता है। तो यहाँ के लिए अगर मैं ऑप्शन वाइज देखूं तो करेक्ट ऑप्शन मुझे दिख रहा ऑप्शन डी। ठीक है, इस क्वेश्चन में बहुत परेशान नहीं होना है, जस्ट इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अगला हमारे पास है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 96। देखें इसको, क्वेश्चन नंबर 96 में कहा गया है हाइड्रोजन 1H1 ड्यूटेरियम 1H2 और आयोनाइज्ड सिंगली आयोनाइज्ड हीलियम 2HC+ एंड डबली आयोनाइज्ड लिथियम 3Li यहां पर 6+2 हो गया, ऑल हैव वन इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। मतलब यहाँ पे सब मिला जुला के हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन लाइक आयन की बात की गई है। जैसे पहला नाम 1H1 का लिया गया है, दूसरा नाम यहाँ ड्यूटेरियम का लिया गया 1H2 और तीसरा नाम बच्चों यहाँ के अंदर 2HE4, लेकिन उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया गया है। यहाँ पर अगला नाम है 3Li7 जिसमें से कि एक नहीं दो इलेक्ट्रॉन निकाल दिए ताकि एक ही बचे। इन सबके लिए बोहर की थ्योरी लागू होगी। ठीक है, यहां के लिए अगर मैं देखूं तो जेड की वैल्यू 1 है, यहां के लिए देखूं जेड की वैल्यू 1 है, यहां के लिए देखूं जेड की वैल्यू बेटा यहां के अंदर 2 है, यहां पर देखने जाऊं जेड की वैल्यू 3 है। तो हमसे कहा है कि बताइए यहां पर अगर दी वेवलेंथ इमिटेड बाई रेडिएशन लैम्डा रेस्पेक्टिवली यहां 2 से 1 में ट्रांजिशन सबके अंदर n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 1 में ट्रांजिशन सबके अंदर हो रहा है और कोई ना कोई वेवलेंथ सबके अंदर से निकल रहा है। तो सवाल इस वेवलेंथ का है कि वेवलेंथ का ऑर्डर यहां के अंदर क्या होगा, कौन सा ऑप्शन टैली करेगा। तो देखो बेटा, जब हम वेवलेंथ को कैलकुलेट करने जाते हैं 1/λ इक्वल टू लिखते हैं आर जेड स्क्वायर और यहां पर लिखते हैं 1/N1² - 1/N2² अगर इसको आप जल्दी से करना चाहते हो तो ये तो सबके लिए ब्रैकेट की जहां तक बात है ना बेटा, ये ब्रैकेट की जहां तक बात है ये सभी के लिए सेम है, बाकी जेड ही अलग अलग है। रहा सवाल इन दोनों के लिए 1H1 और 1H2 के लिए जेड भी सेम है, तो जेड भी सेम है तो इन लोगों के लिए लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो अगर मैं चारों ऑप्शन को चेक करूं तो एक ही ऑप्शन ऐसा दिख रहा है जिसमें लैम्डा 1 और लैम्डा 2 सेम दिया है, यहां से लैम्डा 1 निकला होगा, यहां से लैम्डा 2 निकला होगा, यहां से लैम्डा 3 निकला होगा और यहां से लैम्डा 4 वेवलेंथ निकला होगा। मेरे प्यारे बच्चों, तो सवाल के अनुसार ये दोनों तो सेम होने चाहिए क्योंकि दोनों के लिए जेड की वैल्यू बराबर है, ऐसा एक ही ऑप्शन है, इसलिए आगे टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप चाहो तो इस इक्वेशन से सबको बारी बारी से निकालो, रेशियो बनाओ, यही ऑप्शन आपका टैली करेगा। ठीक है बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला सवाल बेटा हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97, होपफुली आवाज जा रहा होगा। क्वेश्चन नंबर बेटा 97 में हमसे कह रहा है इफ लैम्डा 1 लैम्डा 2 आर द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट नंबर ऑफ द लाइमन एंड पास्टन सीरीज रेस्पेक्टिवली देन। मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर एक सामान्य सी बात कही गई है, अगर लैम्डा 1 और लैम्डा 2 यहां के अंदर वेवलेंथ हो कौन से सीरीज के, फर्स्ट नंबर ऑफ लाइमन एंड पास्टन सीरीज, लाइमन सीरीज का पहला, इसका मतलब 2 से 1 में ट्रांजिशन हुआ होगा, पास्टन सीरीज का पहला यानी कि लाइमन बामर पास्टन यानी इक्वल टू 3 में हुआ होगा, पहला का मतलब 4 से 3 में हुआ होगा। हमसे कहा गया है कि लैम्डा 1 और लैम्डा 2 जो यहाँ वेवलेंथ हमारे मिल रहे होंगे, यहाँ जो लैम्डा 1 निकला होगा और यहाँ जो लैम्डा 2 वेवलेंथ निकला होगा, इनका रेशियो क्या होगा, दैट इज क्वाइट सिंपल टू सॉल्व। 1/λ1 अगर मैं निकालने जाऊंगा आर जेड स्क्वायर, मेरे प्यारे बच्चों यहाँ हाइड्रोजन एटम की बात तो किया नहीं, कोई भी हो चलो आर जेड स्क्वायर लिख देते हैं, ऐसे
यहां पर हमारे पास हो जाएगा बेटा 1/1 का स्क्वायर मीन्स 1, 1/2 का स्क्वायर मीन्स 4। इसका मतलब 1/λ1 की वैल्यू हो गई आर जेड स्क्वायर, ये आ गया 3/4। इसी तरह से अगला सॉल्व हम लोग करेंगे बच्चों, अगला हमारे पास होगा 1/λ2 इक्वल टू आर टाइम्स ऑफ जेड स्क्वायर, और यहाँ के अंदर आ जाएगा 1/3 का स्क्वायर, इन द सेंस 1/9 हो गया, माइनस 1/4 का स्क्वायर 1/16 हो गया। इसको सॉल्व करें तो 1/λ2 इक्वल टू आर टाइम्स ऑफ जेड स्क्वायर, यहाँ के अंदर बच्चों ये हो जाएगा 7/9 × 16। इस तरह से अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दूं, इन दोनों इक्वेशंस को जैसे इसको और इसको अगर बेटा मैं डिवाइड कर देता हूं तो 1/λ1 / 1/λ2 इनफैक्ट मिलेगा λ2/λ1 इक्वल टू आर जेड स्क्वायर, कैंसिल हो गया, यहां से आ गया 3/4 और यहां से आ गया 7/9 × 16। सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 3 × 9 × 16 / 4 × 7। ठीक है बेटा, इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है, कैंसिल वैंसिल हो रहा कि नहीं। 4 × 4 = 16, बाकी कुछ कैंसिलेशन नहीं हो रहा। λ1/λ2 हमसे पूछा गया है तो आ जाएगा 7/ यहां हो गया 7/ बच्चों इसको सॉल्व करेंगे 27 × 4, यहां पर हो गया 27 × 4 कितना आ जाएगा, यहां पर इसको सॉल्व करेंगे बच्चों ये मेरे पास आ जाएगा 8 ऐसा कुछ करके यहां पर आंसर आना चाहिए। तो इसके लिए जो करेक्ट चॉइस हमारे पास दिख रहा है वो हो गया ऑप्शन डी। ठीक है, करेक्ट चॉइस जो यहां के लिए होगा बच्चों वो होगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर बेटा हमारा अगला है क्वेश्चन नंबर 98। देखें क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 98 में, कहा गया है इफ लैम्डा सीयू, सीयू फॉर कॉपर, इज द वेवलेंथ ऑफ द के अल्फा एक्सरे लाइन ऑफ द कॉपर जिसका एटॉमिक नंबर आपको दिया है 29 एंड लैम्डा एमओ, एमओ स्टैंड्स फॉर मोलिब्डेनम, इज द वेवलेंथ ऑफ के अल्फा एक्सरे लाइन ऑफ मोलिब्डेनम एटॉमिक नंबर जिसका 42 है, कहा गया देन द रेशियो लैम्डा फॉर कॉपर अपॉन लैम्डा फॉर मोलिब्डेनम इज क्लोज टू। मेरे प्यारे बच्चों एक सामान्य सा इसका यहां एक्सरे से रिलेटेड है, एक्सरे से रिलेटेड है और के सीरीज की बात हो रही है, मतलब n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 1 में ट्रांजिशन हुआ होगा। तो एक्सरे के लिए याद करें मोजलेज ला जहां मैंने आपको सिखाया था वहां आया था 1/λ इक्वल टू आर जेड जेड माइनस बी का होल स्क्वायर, यहां के अंदर था बेटा 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो यहां पर इस सवाल में कॉपर के लिए और मोलिब्डेनम दोनों के लिए ट्रांजिशन बताया है कहां से कहां होना के अल्फा, यानी दोनों ही के लिए सेम यही ट्रांजिशन होना है, मतलब दोनों के लिए ब्रैकेट सेम रहेगा। यहां के अंदर बच्चों इसका मतलब जो 1/λ होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा जेड माइनस बी का होल स्क्वायर, या सीधा करना चाहो तो लैम्डा यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा जेड माइनस बी का होल स्क्वायर। के सीरीज के लिए मैंने वहां पर आपको बताया था के सीरीज के लिए स्क्रीनिंग कांस्टेंट जो यहां बी लिखा उसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है बेटा, के सीरीज के लिए स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू 1 होती है, इस हिसाब से लैम्डा फॉर कॉपर डिवाइडेड बाय लैम्डा फॉर मोलिब्डेनम जो हमसे पूछा गया है उल्टा लिखेंगे, मोलिब्डेनम के लिए जेड माइनस बी, मोलिब्डेनम के लिए 42 है माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि b की वैल्यू 1 यहां लेंगे, और यहां कॉपर के लिए लिखेंगे z का मतलब 29 माइनस 1 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे बच्चों आ जाएगा 41/28 का होल स्क्वायर, लगभग में इसका आंसर आपको 2.14 मिलता है, आप लोग इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा। ठीक है, करेक्ट चॉइस हमारे पास यहां के लिए होगा ऑप्शन बी। ओके ठीक है बच्चों, ओके प्रैक्टिस आप लोग करिएगा। यहां पे चलते हैं आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर यहां पर हमारे पास है बच्चों 99, क्वेश्चन नंबर 99 में कहा गया इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन द रेशियो ऑफ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन द लाइमन सीरीज
टू द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन दी बामर सीरीज, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ लाइमन सीरीज में और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बामर सीरीज में। मेरे प्यारे बच्चों शब्दों का चक्रव्यूह समझिए, लैम्डा मैक्स का मतलब इनडायरेक्टली फ्रीक्वेंसी की कम से कम वैल्यू की बात की जा रही होगी, एनर्जी की कम से कम वैल्यू की बात की जा रही होगी। अब अगर लाइमन सीरीज में कम से कम वेवलेंथ की बात करें, कम से कम एनर्जी की बात करें, यानी मैक्सिमम वेवलेंथ की बात करें, तो यहां पर n इक्वल टू कहां से, n इक्वल टू बच्चों लाइमन के केस में 2 से n इक्वल टू 1 में ट्रांजिशन होना चाहिए। इसमें एनर्जी कम से कम होगी लाइमन की, और माफ करिए, हाँ एनर्जी यहां पर कम से कम होगी और यहां वेवलेंथ ज्यादा से ज्यादा होगा। अगर बामर सीरीज की बात करें, बामर सीरीज जैसा कि नाम लिया है, यहां पर जैसा कि नाम लिया है बच्चों, अगर बामर सीरीज की मैं बात करूं तो बामर सीरीज में क्या होगा, लाइमन एंड लॉन्गेस्ट इन बामर, बामर में भी लॉन्गेस्ट ही पूछा है, तो n इक्वल टू 2 में होना है, यानी n इक्वल टू 3 से n इक्वल टू 2 में ट्रांजिशन हुआ होगा। तो हमसे यहां पे रेशियो पूछा है, जो वेवलेंथ यहां निकलेंगे उनका रेशियो। मेरे प्यारे बच्चों देखो, 1 बाई लैम्डा इक्वल टू आर टाइम्स आप, यहां पे नाम इसने हाइड्रोजन का लिया है, तो जेड की वैल्यू 1 हो गई, 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर जो कि हो गया 4। यहां पर इसी तरह से 1/λ2 को निकालेंगे आर, जेड के जगह 1, 1/2 का स्क्वायर मींस 4, 1/3 का स्क्वायर मींस 9। सिंपल सा सॉल्व करना है इसको। अगर यहां पर हम सॉल्व करें 1/λ1 अपॉन 1/λ2 क्या होगा, तो बच्चों इसका एक सामान्य सा जवाब मिलेगा, यहां पर आ जाएगा 3/4 और यहां पे आ जाएगा बच्चों 5/4×9, ऐसा कुछ आएगा, 4 कैंसिल हो जाएगा और इस तरह से बच्चों ये 27/5 आ गया, यानी λ2/λ1 इक्वल टू 27/5 आ गया, यानी सीधा करें λ1/λ2 5/27। तो इसके लिए जो बच्चों करेक्ट चॉइस हो गया वो हो गया ऑप्शन ये, ठीक है, यहां के लिए करेक्ट चॉइस हो गया बच्चों ऑप्शन ये, प्रैक्टिस करिएगा आप लोग इसको, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, यहां पे क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है 100 नंबर। देखें इसमें हमसे कहा गया है 100 क्वेश्चन में बच्चों, एक सामान्य सी बात हमसे कही गई है, इफ एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम जंप्स फ्रॉम थर्ड ऑर्बिट टू सेकेंड ऑर्बिट, अगर कोई इलेक्ट्रॉन बच्चों थर्ड से सेकेंड में जंप करता है, फिर क्या कह रहा है, इमिट्स फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा वन, यहां पर बच्चों लैम्डा वन वेवलेंथ का फोटोन निकाल रहा है, लैम्डा वन नहीं बल्कि लैम्डा लिखा है, यहां पर लैम्डा वेवलेंथ का फोटोन निकाल रहा है। When it jumps from fourth to third orbit, जब वो 4 से 2 में जाएगा, 4 से 3 में जाएगा, fourth to third, corresponding wavelength of the photon will be, मेरे प्यारे बच्चों पहले शर्त के हिसाब से 1/λ इक्वल टू हो गया आर, और यहां पर हाइड्रोजन है तो जेड की वैल्यू 1, 1/2 का स्क्वायर मीन्स 4, माइनस 1/3 का स्क्वायर मीन्स 9, ऐसा कुछ आ गया। यहां पर बच्चों 1/λ की वैल्यू हो गया आर, यहां के अंदर हो जाएगा 5/36, ऐसा कुछ आया। दूसरे केस में ट्रांजिशन 4 से 3 में हो रहा है, तो 1/λ लिख देता हूं बेटा, यहां के अंदर आ जाएगा आर जेड स्क्वायर, जेड के जगह पर बच्चों 1 हो गया, 1/ यहां पर बच्चों 3 का स्क्वायर मीन्स 9 और यहां 4 का स्क्वायर मीन्स 16, ऐसा कुछ होगा। थोड़ा सा मेहनत कर ले, 1/λ इक्वल टू हो जाएगा आर, ये हो जाएगा 7/9×16, यहां के अंदर 16, ऐसा कुछ आएगा। इस r की वैल्यू यहां से उठा के हम रख लेते हैं लैम्डा के टर्म में, 1/λ इक्वल टू r के जगह हो जाएगा 36 अपॉन 5, और यहां लैम्डा भी रहेगा नीचे, ये मल्टीप्लाइड बाई हो जाएगा 7/9×16, देखते हैं सॉल्व करके क्या आएगा। बच्चों इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कहानी कुछ ऐसे होगी, कुछ चीजें कैंसिल होंगी, यहां के अंदर इसको मैं बच्चों 9 से कट कर देता हूं, 4 बार गया, 4 से कट कर देता हूं, 4 बार गया,
और इस तरह से यहां पर 1 बाई लैम्डा डैश की वैल्यू हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाई 20 लैम्डा, ठीक है। और इस तरह से बच्चों लैम्डा डैश की वैल्यू जो आएगी वो हो जाएगी 20 बाई 7 टाइम्स ऑफ 20 डिवाइडेड बाई 7 टाइम्स ऑफ लैम्डा, ऐसा कोई यहां आंसर आना चाहिए, 20 डिवाइडेड बाई 7 टाइम्स ऑफ लैम्डा, ठीक है। ओके बच्चों देखो अब 100 तक मैंने करा दिया, उधर 5-7 सवाल और बचे होंगे तो उतना खुद से ट्राई कर लो बच्चों, ठीक है, आसान सवाल है सब। ओके चलिए मेहनत करिए, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू बच्चों।